स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे हमारा नया चैप्टर कंप्यूटर नेटवर्किंग. ठीक है, क्या कंप्यूटर नेटवर्किंग इज़ अ कलेक्शंस ऑफ कंप्यूटर एंड अदर हार्डवेयर्स इंटरकनेक्टिंग. कि जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है ये कलेक्शंस ऑफ कंप्यूटर होता है जो कि आपके हार्डवेयर्स जो है वो क्या कहते हैं इंटरकनेक्ट करते हैं जो बाय कम्युनिकेशन चैनल दैट अलाउ शेयर ऑफ रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन. जो कि हमें परमिशन देते हैं कि हम अपने रिसोर्स और इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें. कह रहा है कंप्यूटर जो है कंप्यूटर का नेटवर्किंग इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर डिवाइसेस टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग. कि हम नेटवर्किंग करते क्यों हैं, क्योंकि हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटरों को आपस में जोड़ सकें और हम अपने उनके जो डाटा शेयरिंग जो है ना उनको हम कर सकें, ईजिली कर सकें. बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर, कह रहे कंप्यूटर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उसमें से सबसे कुछ फ्यू ये हैं आपके. कह रहा फाइल शेयरिंग है, कह रहा नेटवर्किंग ऑफ द कंप्यूटर हेल्प्स द यूज़र टू शेयर द डाटा. सबसे पहले है कि अगर आप अपनी नेटवर्किंग के थ्रू अपनी फाइल को शेयर करना चाहते हो तो ईजिली कर सकते हो. हार्डवेयर शेयरिंग है, आप चाहो तो नेटवर्किंग के थ्रू आप अपने हार्डवेयर्स को भी शेयरिंग कर सकते हो. इसमें आपका प्रिंटर, स्कैनर, सीडी रोम, हार्ड ड्राइव्स ये सब कुछ आती हैं. ये सब कुछ शेयर किया जा सकता है नेटवर्किंग के थ्रू. एप्लीकेशन शेयरिंग, एप्लीकेशन शेयर भी आप कर सकते हो. जैसे कि एग्जांपल आपके इस क्लास आपकी लैब में है, देखो हमारे पास एक सर्वर है और हमने उस सर्वर से क्या किया 5 PC को आपस में कनेक्ट कर रखा है. तो जो एक ही हम अलग अलग PCs में बैठकर हमारे पास मॉनिटर, हर एक में मॉनिटर और कीबोर्ड और माउस लगा हुआ है, तो हम क्या है एक CPU हमारे पास है और हम 6 के 6 PCs में अलग अलग इन्फॉर्मेशन खोल के बैठ सकते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि सबको एक ही खोलना है, वो कोई भी अलग अलग तरीके से काम कर सकते थे. और इस तरह की एप्लीकेशन शेयरिंग को हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन. तो जो सर्वर होता है वो एक होता है और क्लाइंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. यूज़र कम्युनिकेशन, कर दिस अलाउ यूज़र टू कम्युनिकेट यूजिंग ईमेल्स, न्यूज़ ग्रुप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विद इन द नेटवर्क. कि इस नेटवर्किंग के थ्रू आप ईमेल शेयरिंग कर सकते हो, न्यूज़ ग्रुप शेयरिंग कर सकते हो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टाइप इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कर सकते हो. एक्सेस टू रिमोट डेटाबेस, कर दिस अलाउ यूज़र टू एक्सेस द रिमोट डेटाबेस. एयरलाइंस रिजर्वेशंस डेटाबेस में भी एक्सेस फॉर द टिकट बुकिंग. कि ये जो रिमोट डेटाबेस होता है ये भी आप एक्सेस कर सकते हो. जिसका एग्जांपल ये है, मान लो आप घर में बैठकर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट में जाते हो. जैसे कि आपकी एक ट्रेन की टिकट बुक करवानी है तो चाहे आप रेलवेज़ की वेबसाइट में चले जाओ, चाहे मेक माई ट्रिप की एक वेबसाइट है वहाँ चले जाओ, या फिर कोई ऐप है रेलवे का तो वो डाउनलोड कर लो. आप जब भी टिकट बुक करवाते हो आप उसमें डेट, ट्रेन नंबर, बाकी सारी डिटेल्स डालते हो, तो लास्ट में जब आपका पेमेंट वगैरह हो जाता है तो आपको वो क्या बताता है, कंफर्म बुकिंग. तो कंफर्म बुकिंग का मतलब है कि ये जो हम इंफॉर्मेशन अपने डेस्टिनेशन के लिए जब हम ट्रेन का कर रहे थे तो उस वक्त वो हमें वहाँ स्टेटस शो करेगा कि भाई आपके पास 15 सीटें हैं, 10 सीटें हैं, तो वो हमें बताएगा और तब हम उस हिसाब से अपनी सीट जो है बुक कर सकते हैं. तो इसका मतलब है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है जब हम बुकिंग कर रहे थे तो वो मेन रिमोट डेटाबेस के साथ कंसल्ट हो रखा था कि जैसे ही हमने टिकट बुक कर ली है तो कोई और उसके ऊपर टिकट बुक नहीं कर सकता. मतलब अगर मान लो 10 टिकट थी, 10 सीटें थी और 10 की 10 मैंने बुक कर ली हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति बुकिंग नहीं कर सकता उस डिपार्टमेंट में. ठीक है, तो दैट्स द बेनिफिट्स ऑफ द नेटवर्किंग. नेटवर्किंग का है एवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क, कि कहाँ से ये हुआ नेटवर्किंग. आपने अपारनेट के बारे में सुना ही होगा. कह रहे अपारनेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क वॉज वर्ल्ड फर्स्ट ऑपरेशन पैकेज स्विचिंग नेटवर्क, ऑपरेशनल पैकेज स्विचिंग नेटवर्क. कि ये अपारनेट जो है ये आपका सबसे पहला एक नेटवर्किंग डिवाइस जब बनाया था इन्होंने उसको लेकर था. कर इसको बनाने के लिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस वालों ने इसको बनाया था. अपारनेट प्रोजेक्ट था ये अपारनेट नाम से. करा कि उनका गोल था कि वो कंप्यूटर कनेक्ट कंप्यूटर एट अ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड यूएसए डिफेंस. कि वो चाहते थे कि वो जो उनके एरिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो यूएसए का डिफेंस है उनको वो आपस में जोड़ना चाहते थे. क्या 1969 यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजलिस, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ उथा वर कनेक्टेड एज द बिगनिंग ऑफ द पार्नेट यूजिंग 50 किलो बाइट है ना, तो किलो बाइट है सर्किट. कि उन्होंने 1961 में एक बनाया
1906 में जो उन्होंने बनाया था वो यही था कि उन्होंने एक नेटवर्किंग की स्टैब्लिश की थी, और वो उसकी जो स्पीड थी ना वो थी 50 KB सर्किट थे उनके। इन 80 के दशक में आते आते नेशनल साइंस फाउंडेशन क्रिएट अ न्यू नेटवर्क कॉल्ड NSFNet। तो ये भी एक धीरे धीरे, देखो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे करके बढ़ती है ना, तो यहाँ पर 80s के दशक में एक NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन ने एक इसी के ऊपर वर्कआउट करके एक और अच्छा नेटवर्क बनाया, और मोर केबल देन अपारनेट, जो कि अपारनेट से ज़्यादा कैपेबल था। ठीक है, WWW का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। कह रहा कि ये एक ऐसा इंटरलिंक है, एक हाइपर टेस्ट डॉक्यूमेंट लिंक है जो कि इंटरनेट के थ्रू चलता है विद अ वेब ब्राउजर। इसके लिए हमें वेब ब्राउजर की ज़रूरत पड़ती है, और वन कैन व्यू वेब पेजेस दैट मे कंटेन टेक्स्ट इमेज। कि जब आप वेब पेज ओपन करते हो तो आपके जो वेब पेज में टेक्स्ट भी होता है, इमेजेस भी होती है, वीडियोस भी होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कह रहा एंड मल्टीमीडिया एंड कैन नेविगेट बिटवीन देम वाया हाइपरलिंक। और ये सारी चीज़ें जो हैं, कह रहा कि ये सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं, मतलब आपस में हम इनको क्लिक करते हैं, प्रोसेस करता है, तो ये सब क्या है, हाइपरलिंक होती हैं। मतलब आप किसी भी लिंक पे क्लिक करो, किसी भी पिक्चर पे क्लिक करो, किसी भी इमेज पे क्लिक करो, तो वो क्या होती हैं, आपको वो उनको इंस्टॉलेशन की पावर मिलती है, आपको कि आप इंस्टॉल कर सकते हो। और कह रहे हैं द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ द इंटरकनेक्टिंग कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट जो है वो ग्लोबल सिस्टम है, और ये आपको फैसिलिटी देता है कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में आप अगर चाहो तो अपना नेटवर्क एस्टैब्लिश कर सकते हो, किसी के साथ बातचीत कर सकते हो, किसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, ये सब कुछ पॉसिबल है बाय इंटरनेट। द स्पॉट वी वेब इज़ वे ऑफ द एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। कि ये एक शॉर्ट वेब है, कि आप अगर अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाहते हो इंटरनेट के माध्यम से, तो आप यहाँ पर बैठे कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज़ योर इंट्रानेट। इंट्रानेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ द इंटरलिंक कंप्यूटर नेटवर्क वर्ल्ड वाइड विच इज़ एक्सेसबल टू द जनरल पब्लिक। कि इंट्रानेट जो है एक नेटवर्क है जो कि इंटरलिंक कंप्यूटर नेटवर्किंग वर्ल्ड वाइड होता है, कि ये आपको क्या कहता है, विच इज़ एक्सेस, ये एक्सेसिबल है जनरल पब्लिक के लिए। कह रहे इंटरनेट इज़ अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ सेवरल डिफरेंट इंटरलिंक नेटवर्क। कि जो इंटरनेट है वो बहुत बड़ा ह्यूज नेटवर्क है, जो कि बहुत सारे नेटवर्क, डिफरेंट नेटवर्क्स को लेकर बना है, जो कि आपका देखो बिजनेस का भी हो सकता है, गवर्नमेंट का भी हो सकता है, एकेडमी का भी हो सकता है, एंड अदर स्मॉल डोमेस्टिक नेटवर्क्स जो हैं उनका भी हो सकता है, उन सबको इकट्ठा किया गया है यहाँ पर। क्या देयरफॉर द इंटरनेट इज नोन एज नेटवर्क फॉर ऑल द नेटवर्क अदर नेटवर्क। इसीलिए इसको हमने क्या कहा गया है, नेटवर्क ऑफ ऑल अदर नेटवर्क्स कहा गया है, कि ये सब कुछ जुड़ रखा है आपस में इंटरनेट के माध्यम से। दीज नेटवर्क्स अनेबल द इंटरनेट टू बी यूज फॉर वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शंस विच इंक्लूडिंग द सेवरल मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन लाइक अ फाइल ट्रांसफर, द ऑनलाइन चैट एंड वीडियो एंड शेयरिंग द डॉक्यूमेंट वेबसाइट्स ऑन द WWW वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये आपको मालूम ही है कि जब ये इंटरनेट इस्टेब्लिश हुआ है, इसका सब कुछ एक वे बना है, तो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है। इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हो, कि फाइल्स ट्रांसफ़र करना है, ऑनलाइन चैट करना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट को शेयर करना है, तो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है वेबसाइट्स के द्वारा, जो कि WWW के माध्यम से चलती हैं। कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये ऑल ओवर है ना, पूरे वर्ल्ड में है। ऐसा तो है नहीं कि आज अगर हम कोई लिंक यहाँ पर हमारे पास है तो वो लिंक आपका अमेरिका में नहीं खुलेगा, सब लिंक्ड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट इज़ योर इंट्रास्पेस। क्या इंट्रास्पेस, इट इज़ अ क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम दैट अलाउ मल्टीपल यूजर टू कम्युनिकेट ऑनलाइन विद अ रियल टाइम ऑडियो वीडियो एंड टेक्स्ट चैट इन अ डायनामिक 3D एनवायरनमेंट। कि इंट्रास्पेस एक ऐसा वे है जहाँ पर क्लाइंट सर्वर प्रोग्रामिंग होती है, और यहाँ पर बहुत सारे यूजर जो हैं एक साथ ही चैटिंग कर सकते हैं, एक साथ ऑडियो वीडियो टेक्स्ट चैटिंग वगैरह, और ये सब कुछ रियल टाइम में होता है। रियल टाइम मतलब कि प्रेजेंट में ऑन लाइव चलता है, और ये आपका 3D एनवायरनमेंट इन्वायरमेंट्स के माध्यम से होता है, मतलब कि 3D इन्वायरमेंट जो होता है ना उस हिसाब से होता है, 3D डायमेंशनल इन्वायरमेंट। उसके बाद कहता है इंटरस्पेस प्रोवाइडिंग द मोस्ट एडवांस फ्रॉम द कम्युनिकेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट टुडे। कि इंटरस्पेस जो है ये आज की डेट में बहुत ही एडवांस फॉर्म है, जो कि कम्युनिकेशन आपको एक माध्यम है कम्युनिकेशन का, जो कि आज की डेट में इंटरनेट में मिलता है।
द इंटरस्पेस इज द फंक्शन विजुअल विजन्स ऑफ व्हाट द इंटरनेट विल बी बिकम द टुमारो, कि इंटरस्पेस एक फ्यूचर विजन है कि इंटरनेट जो है वो फ्यूचर में कैसा होगा. व्हेन यूजर क्रॉस कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ द मल्टीपल सोर्स, इट विल बी द एप्लीकेशन एनवायरनमेंट फॉर द इंटर कनेक्टिंग स्पेस एंड मल्टी एंड मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन लाइक इंटरनेट. कि ये आपका जो कहता है कि द यूज़र जो होते हैं वो उनके पास जो है अलग अलग रिसोर्स होते हैं इंफॉर्मेशन को पाने के. तो अगर वो इट विल बी द एप्लीकेशन इन्वायरमेंट, और ये सारे के जो आपके इन्वायरमेंट्स हैं एप्लीकेशन इन्वायरमेंट्स हो सकते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं किसी ना इंटरकनेक्ट करते हैं स्पेस इंटरकनेक्ट करते हैं और मल्टीपल इंफॉर्मेशन मिलता है हमें लाइक इंटरनेट उसके थ्रू मिलता है हमको. इंटरनेट होता है एंड इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क दैट कनेक्ट द कंप्यूटर एंड नेटवर्क विद एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ बेस्ड ऑन इंटरनेट टेक्नोलॉजी. कि इंटरनेट जो है एक नेटवर्क है जो कि कनेक्ट करता है कंप्यूटर को नेटवर्क के थ्रू किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और इसका जो बेस है वो भी इंटरनेट टेक्नोलॉजी ही है. इस टेक्नोलॉजी में कह रहा है कि TCP/IP प्रोटोकॉल के तहत काम होता है जिसमें सर्वर और ब्राउजर सॉफ्टवेयर्स यूज फॉर इंटरनेट, जो कि सर्वर एंड ब्राउज़र जो हैं वो सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं इंटरनेट के लिए. विद एन इंटरनेट द बेसिक सर्विस ऑफ द इंटरनेट लाइक ईमेल TCP एक्सेट्रा. कि जो इंटरनेट के माध्यम से अगर हम कोई फैसिलिटी प्रोवाइड होती है जो बेसिक सर्विस है इसकी, वो आपकी ईमेल और FTP को ट्रांसफ़र करने की होती है. डाटा कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन इज़ एन एक्ट ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग डाटा. कि डाटा कम्युनिकेशन एक ऐसा एक्ट है जिसमें आप डाटा को सेंड और रिसीव कर सकते हो. डाटा कम्युनिकेशन रेफर टू द एक्सचेंजिंग ऑफ डाटा बिटवीन टू अ मोर नेटवर्क्ड और कनेक्टिंग डिवाइसेस. कि डाटा कम्युनिकेशन जो है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क में कनेक्ट हो रहे हो डिवाइसेस के थ्रू. दीज डिवाइसेस मस्ट बी कैपेबल फॉर सेंडिंग और रिसीविंग डाटा ओवर द कम्युनिकेशन मीडिया. कि ये जो डिवाइस होता है ये एक कैपेबल है, मतलब कि इसके अंदर आप अगर आप इस डिवाइस का यूज़ करते हो तो आप कैपेबल हो कि आप इसको सेंड और रिसीव डाटा कर सकते हो कम्युनिकेशन मीडिया के माध्यम से. एक्सचेंजिंग ऑफ ईच डाटा इंक्लूडिंग पर्सनल कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन लैपटॉप, जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में दे रखा है. कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर डिवाइसेस यूजिंग अ नेटवर्क, फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स कम आउट ऑफ योर माइंड. कि जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं ना, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो दो चीज़ें हमारे दिमाग में तुरंत आती हैं और फाइव इंपॉर्टेंट थिंग हमारे दिमाग में आती ही आती हैं. कि वो क्या है, पहले देर आर द सेंडर एंड रिसीवर. सबसे पहला था कि हमारे पास एक सेंडर और एक रिसीवर होगा, एक कम्युनिकेशन मीडिया होगा. कम्युनिकेशन मीडिया द मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड एट द सर्टन रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स टू बी फॉलोड ड्यूरिंग कम्युनिकेशन. कि हम देखो सेंडर और रिसीवर का काम तो पता ही है कि मैं सेंडर हुआ, आपने उस मैसेज को पढ़ा तो आप रिसीवर हो गए. अब वो किस कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू जा रहा है ये भी तो आपको पता होना चाहिए. तो उसके पीछे भी ना कोई प्रोटोकॉल जो है वो आता है. ठीक है, कह रहा था कम्युनिकेशन मीडिया ऑल्सो कॉल ट्रांसमिशन मीडिया. कम्युनिकेशन मीडिया को हम ट्रांसमिशन मीडिया भी कहते हैं, जिसमें पांच पार्ट बता रखे हैं. सबसे पहले सेंडर है. सेंडर वो आदमी है जो कि अपने फ़ोन को मोबाइल फ़ोन हो गया, स्मार्टफोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपी हो गया, इन सब का सहारा लेकर वो कोई इंफॉर्मेशन सामने वाले को सेंड कर रहा है. रिसीवर यहाँ पर वो बंदा होता है जो कि रिसीवर कुछ चीज़ रिसीव कर रहा है. कि ऐसे डिवाइस जैसे कि आपका प्रिंटर हो गया, लैपी हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, टेलीविज़न हो गया. क्योंकि ये लोग देखो प्रिंटर में प्रिंट निकलता है वो यूज़ है, लैपी में आप किसी को अगर वीडियो कॉलिंग कर रहे हो तो लैपी से या मोबाइल फ़ोन से या टेलीविज़न से आप लाइव देखते हो ना, तो आप कुछ ना कुछ देख रहे हो, रिसीव कर रहे हो ना, तो दैट कॉल्ड रिसीवर. ठीक है, सेंडर एंड रिसीवर आर नोन एज अ नोड इन द नेटवर्क. कि जो सेंडर और रिसीवर हैं ये नोड नेटवर्क के नोड्स कहलाए जाते हैं. मैसेज कह रहे हैं जो डाटा या इंफॉर्मेशन आप एक्सचेंज करते हो एक जगह से दूसरी जगह सेंडर टू रिसीवर, उसको हम मैसेज कहते हैं. मैसेज आपके टेक्स्ट, नंबर, इमेज, ऑडियो, वीडियो सब और मल्टीमीडिया ये सब कुछ हो सकते हैं. कम्युनिकेशन मीडिया इट इज़ द पाथ थ्रू विच द मैसेज ट्रैवल बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन. कि एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से आपका जो डाटा है वो ट्रैवल कर रहा है सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक, इट इज़ कॉल्ड मीडियम. इसको हम मीडियम कहते हैं, लिंक कहते हैं, और ये आपका वायर और वायरलेस दोनों हो सकता है. ठीक है,
नाउ नेक्स्ट इज योर प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल देखो एक कह रहा है, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल दैट नीड टू बी फॉलोड बाय द कम्युनिकेशन पार्टीज इन ऑर्डर टू मेक सक्सेसफुल एंड रिलेबल डाटा कम्युनिकेशन. की प्रोटोकॉल एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स है जिसमें हम कम्युनिकेशन पार्टीज जो होती हैं वो क्या कहते हैं, एक रूल सेट करती हैं और उस रूल के तहत आप अपना डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हो सक्सेसफुली, ठीक है, या आप रिट्रीव ले रहे हो. और ये आपको समर्थ मतलब कि आपको कैपेबल बनाती हैं कि आप अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंडिंग कर सको. स्विचिंग टेक्नोलॉजी, कह रहा स्विचिंग टेक्नोलॉजी आर यूज फॉर ट्रांसमिशन डाटा की अक्रॉसिंग नेटवर्क. किसी कह रहा स्विचिंग टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि डाटा को अक्रॉस नेटवर्क ट्रांसफ़र करती हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ स्विचिंग टेक्नोलॉजीज आर देयर, कि बहुत सारी अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी होती हैं. सबसे पहले आपका आता है सर्किट स्विचिंग. अगर सर्किट स्विचिंग इज़ अ मेथोलॉजी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड द कम्युनिकेशन नेटवर्क इज विच टू नेटवर्क नोड्स एस्टैब्लिश अ डेडिकेटेड कम्युनिकेशन चैनल सर्किट. द मेन एडवांटेज ऑफ सर्किट स्विचिंग इज गारंटीड डिलीवरी. The circuit switching guarantees the full bandwidth of the channels and remain connected of the during the communication series. कह रहा है कि ये देखो एक ये एक ऐसा जो आपका ये सर्किट स्विचिंग है एक ऐसा वे है कि अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करना चाहते हो सेंडर टू रिसीवर के बीच में तो ये गारंटीड है कि आप इसको सेंड कर सकते हो. आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी. देखिए नोड 1 2 3 4 5 6 7 तो आप ये एक चीज़ देख रहे हो. अगर नोड यहाँ से मैंने डाटा सेंड किया है नोड 1 के पास गया तो देखो नोड 2 के पास जा रहा है, लेकिन यहाँ पर भी तो कनेक्टिविटी हो रखी है इसकी, यहाँ से भी कनेक्टिविटी हो रखी है. तो मतलब ये एक वे है आपका जो डाटा है वो 100% श्योरिटी के साथ ट्रैवलिंग कर रहा है. अगर कोई ट्रैवलिंग के दौरान कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती भी है तो वो किसी दूसरे नोड के थ्रू आपका डाटा ट्रैवल कर देगा और आपका जो पैकेज है वो रिसीव हो जाएगा सामने वाले को. द डिफरेंस एग्जाम्पल ऑफ द सर्किट स्विचिंग नेटवर्क इज द अर्लियर टेलीफोन एनालॉग टेलीफोन नेटवर्क. कि अगर आप एक अर्लियर आप एक सर्किट स्विचिंग का अगर आप देखना चाहते हो नेटवर्क तो आप टेलीफोन नेटवर्क का एग्जांपल ले सकते हो. व्हेन ए कॉल इज़ मेड फॉर वन टेलीफोन टू अनदर, जब आप देखते हो कि एक कॉल होती है एक टेलीफोन से अनदर फोन में, स्विच विद इन द टेलीफोन एक्सचेंजिंग क्रिएट अ कम्युनिकेशन वायर सर्किट. कि वहाँ पर जो टेलीफोन एक्सचेंज होती है वो एक वायर नेटवर्क कंटिन्यूस करती है ताकि दो लोग आपस में लॉन्ग डिस्टेंस या में बात कर सकें, ठीक है. और मैसेज स्विचिंग है कि द मैसेज स्विचिंग इज़ अ नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक इज विच डाटा इज रूट एंटर फ्रॉम द सोर्स नोड टू द डेस्टिनेशन नोड. इन दिस टेक्निक नो फिजिकल पाथ इज इस्टेब्लिश बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन. सबसे पहले कि कहता है कि मैसेज स्विचिंग जो है एक नेटवर्किंग स्विचिंग टेक्निक है जो कि आपको क्या कहते हैं डाटा को एक सोर्स नोड से डेस्टिनेशन नोड तक पहुंचाता है. और कहता है कि यहाँ पर जो टेक्निक यूज़ की गई है वहाँ पर नो फिजिकल पाथ, यहाँ पर कोई फिजिकल पाथ नहीं होता है और जो नेटवर्किंग इस्टेब्लिश होती है सोर्स से डेस्टिनेशन का वो बिना फिजिकल पाथ के होता है. ड्यूरिंग द मैसेज रूटिंग एवरी इंटरमीडिएट स्विच इज द नेटवर्क स्टोर द होल मैसेज. कि यहाँ पर क्या होता है कि मैसेज जो मैसेज का ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है कि इंटरमीडिएट जो स्विच होता है वो उस सारे मैसेज को क्या कहते हैं स्टोर करता है अपने अंदर, तब क्या करता है वो उसको आगे की तरफ भेजता है. जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल से शो हो जाएगा. तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से मैसेज शिफ्ट हुआ यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या होगा मैसेज स्टोर होता रहेगा. जब यहाँ पर मैसेज स्टोर हो जाएगा तब वो अगली बार पास जाएगा, फिर यहाँ पर क्या होगा मैसेज स्टोर हो रहा है और इसी के तरीके से लास्ट में मैसेज स्टोर होकर यहाँ पर रिसीव को मिल जाएगा. स्टोर फुल मैसेज एंड द फॉरवर्ड, पहले वो मैसेज को स्टोर करेगा पूरी तरह से देन वो फॉरवर्ड करेगा आगे की तरफ, ठीक है. ये आपका एग्जाम्पल है मैसेज स्विचिंग का. कह रहा इफ़ द एंटायर नेटवर्क
रिसोर्स आर इंगेज और नेटवर्क बिकम द ब्लॉक्ड, कि अगर आपका जो नेटवर्क है रिसोर्स जो नेटवर्क जो हैं आपके सारा का सारा अगर आपका इंगेज है या ब्लॉक्ड है, द मैसेज स्विचिंग नेटवर्क स्टोर एंड डिले द मैसेज, तो वो मैसेज स्विचिंग क्या करेगा, वो उसको स्टोर करेगा और मैसेज जाने में डिले हो जाएगा अनटिल सम रिसोर्स बिकम अवेलेबल फ्रॉम द इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज. जब तक कि उसको एक वे नहीं मिलता है, इफेक्टिव वे ट्रांसमिशन वे नहीं मिलता है, तब तक वो अपने पास स्टोर करके रखेगा और जैसे ही उसको मैसेज भेजने का मिल जाएगा रास्ता, तो वो अपने मैसेज को ट्रांसमिशन मैसेज को इफेक्टिव ट्रांसमिशन को वो आगे की तरफ मूव करके भेज देगा. अगला है आपका पैकेज स्विचिंग. पैकेज स्विचिंग क्या होता है, इन द पैकेज डेटाबेस नेटवर्किंग द मैसेज गेट ब्रोकन इनटू स्मॉल डाटा पैकेजेस, कि यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका ये जो नेटवर्क है वो ऐसा है कि ये आपके जो पैकेज को ना स्मॉल ये आपके जो मैसेज है ना उसको वो स्मॉल पैकेजेस में ब्रेक कर देता है. दीज पैकेज आर सेंड आउट फ्रॉम द कंप्यूटर एंड दे ट्रैवल अराउंड द नेटवर्क सेकिंग आउट ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव रूट्स टू ट्रैवल एंड सर्किट बिकम अवेलेबल. कि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि देखो फर्स्ट वाला जब हमने पढ़ा था तो यहाँ पर मैसेज ब्लॉकिंग इस तरीके से जा रहा, देखो ये है उसका वे जाने का, लेकिन बाकी के नोड्स हैं बट जो एक रास्ता उसने पकड़ा है वो उस रास्ते को लेकर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपके कह रहे हैं कि जब वो अपने मैसेज को पैकेजेस में कन्वर्ट कर देता है तो देखो आप देख रहे हो यहाँ से आपका मैसेज गया, कुछ ट्रैवलिंग यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, तो जो भी उसको इफ़ेक्टिव वे मिलेगा इफ जो कि उसको आगे की तरफ धकेल सके, वो उस मैसेज उस वे को पकड़ेगा और वो नोड बाय नोड यहाँ से इसने इस नोड को भेजा, फिर इस नोड को भेजा, फिर यहाँ पर दे दिया रिसीवर को, तो वो उसकी उसके डिपेंड करता है कि कोई रूट अगर बिजी चल रहा है तो वो दूसरे रूट को पकड़ लेगा, तो ये ऑटोमेटिकली ही होता है, मतलब कि वो अपने हिसाब से चलते हैं और मैसेज जो हैं आपके वो छोटे छोटे पैकेजेस में जाता है और जब वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचता है तो वो सारा पैकेज जो है कंबाइन हो जाता है और उसके बाद वो रिसीवर को मिल जाता है. जैसे कि आप देखते हैं ना परसेंटेज 1% डाउन, 2% डाउन, 3% डाउन, फिर 100% डाउन होता है तब आप उसको ओपन करके देख सकते हो. सेम वही प्रोसेस आप मान के चल सकते हो कि यहाँ पर भी वही प्रोसेस चल रहा है आपका. ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन द वेरी स्विचिंग टेक्निक्स, आप इसको देख सकते हो, खुद देख लेना आप. ठीक है, कि किस तरीके से है आपका डिफरेंस क्या क्या है उनमें. ठीक है, नेक्स्ट आपका है डाटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी. सबसे पहले आपका आता है इसमें चैनल. द क्या कम्युनिकेशन चैनल, अ कम्युनिकेशन चैनल इज़ अ मीडिया दैट इज़ यूज इन द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर. कि कम्युनिकेशन चैनल एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा मीडियम है जो कि आपके मैसेज यूज़ किया जाता है ट्रांसमिशन मैसेज को ट्रांसमिशन करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह के लिए. इट मे बी रेफर टू द एंटायर फिजिकल मीडिया सच एज टेलीफोन लाइन्स, ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सल केबल एंड ट्विस्टर पे केबल. कि ये जो आपका जो मैसेज ट्रैवलिंग हो रहा है ये फिजिकल मेथड के थ्रू होता है, जैसे कि आपकी फोन लाइन्स हो सकती हैं, ऑप्टिकल फाइबर हो सकती हैं, कोएक्सल फाइबर हो सकती हैं और स्विच पेयर केबल्स हो सकती हैं. तो कह रहा है कि इनके थ्रू आपका ये कम्युनिकेशन जो है ये मैसेज कन्वे करते हैं. कह रहा है डिपेंडिंग ऑन दीज स्पीड्स, और सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी स्पीड्स के ऊपर भी डिपेंड करता है. क्या देर आर थ्री ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, तीन तरह की कैटेगरीज इसमें डाली गई है. नैरो ब्रॉड इज अ स्लो एंड यूज फॉर टेलीग्राफ लाइन्स, कि नैरो जो ब्रांड होता है वो आपके स्लो होते हैं, वो टेलीग्राम लाइन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि इनके जो ट्रांसमिशन्स होते हैं वो बहुत स्लो चलते हैं. वॉइस बैंड है, ये कहता है फॉर यूज़ फॉर ऑर्डिनरी टेलीफोन कम्युनिकेशन, ये टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं. और ब्रॉड बैंड के लिए फास्टर एंड ट्रांसमिटिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा एंड हाई स्पीड, कि ब्रॉड बैंड जो है हाई स्पीड का हाई स्पीड में चलता है और अगर आप लार्ज अमाउंट का डाटा भी अगर सेंड करना चाहते हो तेज़ी से वो आप कर सकते हो. Broad rate, it is a measure of the number of symbols transferred for one or line change every second. It may representing more than one
बाइनरी बिट कि अगर आप इट इज़ मेजर, ये जो नंबर्स हैं वो सिम्बॉलिक होते हैं, सिम्बल्स ट्रांसमिट, और ये लाइन्स चेंज वेरी सेकेंड, एवरी सेकेंड इनकी जो लाइन है वो चेंज होती रहती है, और इनके जो कहते हैं कि वन कि मोर देन वन बाइनरी बिट कि जो ये रिप्रेजेंट करते हैं, वन बाइनरी बिट होता है इनका, ईच सिम्बल कैन रिप्रेजेंटिंग और कन्वे वन वन और सेवरल बिट्स ऑफ डाटा, कि इसमें जो आपके सिंबल्स होते हैं कह रहे हैं कि ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके कन्वे करने के लिए वन और सेवरल बिट ऑफ डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, और फॉर बाइनरी सिग्नल्स ऑफ 20 एस जेड दिस इज़ इक्विवेलेंट ऑफ 20 बिट, कह रहे हैं कि देयर आर 20 चेंजेस पर सेकेंड इनके ये स्पीड है। फिर आपका आता है बैंडविड्थ आता है, कह रहा है इट इज़ द फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ द चैनल मेजर्ड एज द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड लोएस्ट फ्रिक्वेंसी दैट द चैनल सपोर्ट, कह रहा कि ये आपके जो फ्रिक्वेंसी रेंज होता है ये चैनल प्रोवाइड करता है, जो मेजर करता है अपनी चीज़ को, कह रहा डिफरेंस बिटवीन हाई टू लो फ्रिक्वेंसी दैट आर चैनल सपोर्ट, कि वो किस चैनल को सपोर्ट कर रहा है, हाई टू लो बैंडविड्थ होती है इनकी, उसमें से किस चीज़ को सपोर्ट करता है ये देखते हैं। द मैक्सिमम ट्रांसमिशन स्पीड इज़ डिपेंड अपॉन द अवेलेबल बैंडविड्थ, की जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन स्पीड होती है वो डिपेंड करती है कि आप कौन सा बैंडविड्थ यूज़ कर रहे हैं। द लार्जर द बैंडविड्थ द हायर द ट्रांसमिशन स्पीड, कहता एंग्लो सिस्टम बैंडविड्थ इज़ डिपेंड इन टर्म ऑफ द डिफरेंट बिटवीन द हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स कंपोनेंट एंड द लोएस्ट फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स कंपोनेंट, फ्रिक्वेंसी इज मेजर इज साइकिल पर सेकेंड हर्ट्ज, वन हर्ट्ज इक्वल टू साइकिल पर सेकेंड, और के किलो हर्ट्ज हैं रिप्रेजेंटिंग 1000 Hz पर सेकेंड, और मेगा हर्ट्ज रिप्रेजेंटिंग KHZ पर सेकेंड। तो ये जो यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने फ्रीक्वेंसी रेंज दे रखी हैं, दो तरह की फ्रीक्वेंसी रेंज दे रखी है, एक हाई बैंडविड्थ एंड लो बैंडविड्थ है, और दोनों जो हैं आपके कहता है कि एनालॉग सिस्टम का एक है, जिसमें आपके क्या कहते हैं कि अगर हाई विड्थ चैनल है तो वो उसको सपोर्ट करेगा, और आपकी जो ये इसमें बैंडविड्थ यूज़ जो ये मेजर करते हैं, फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं वो हर्ट्ज में करते हैं, और जो वन हर्ट्ज जो है वो वन साइकिल पर सेकंड के हिसाब से होता है। डाटा ट्रांसफ़र रेट DTR, डाटा ट्रांसफ़र रेट इज़ द अमाउंट ऑफ डाटा डिजिटल डाटा दैट इज़ मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ गिवन टाइम, कि यहाँ पर जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर, ये डिजिटल डाटा है, और यहाँ पर ये भी ध्यान दिया जाता है कि वो कितने टाइम पर शिफ्टिंग कर रहा है, वहाँ पर टाइमर भी होता है कि यहाँ पे 5 मिनट में या 10 मिनट में डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। यूजली इन द सेकेंड ऑन द नेटवर्क इन द टेली कम्युनिकेशन डाटा ट्रांसफ़र इज़ यूजली मेजर इन बिट पर सेकेंड, और कहता है कि जो ये नेटवर्क है इसमें जो इन टेलीफोन कम्युनिकेशन में जो डाटा ट्रांसफ़र का जो रेट होता है वो बिट पर सेकंड के हिसाब से मेजर किया जाता है। कह रहा बिट पर सेकंड होता क्या है, कह रहा इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द नंबर ऑफ डाटा बिट पर सेकंड, कह रहा ये एक्सप्रेशन है, एक नंबर ऑफ डाटा जो है वो बिट पर सेकंड के हिसाब से चलता है। कह रहा वेयर अ बाइनरी सिग्नल्स इज़ बीइंग यूज, यहाँ पर बाइनरी सिग्नल्स के यूज़ किए जाते हैं, दिस इज़ सेम एज द लोड रेट, कि ये वैसे ही है जैसे आपके लाउड रेट होते हैं। व्हेन द सिग्नल इज चेंज टू अनदर फॉर्म, कि जब सिग्नल्स आपके चेंज होते हैं किसी दूसरी फॉर्म में, इट विल नॉट बी इक्वल टू द बैंड रेट, वो इक्वल नहीं होते हैं बॉड रेट के हिसाब से। ईच लाइन चेंज कैन रिप्रेजेंटिंग मोर देन वन बाइट, कि जब भी लाइन चेंज होती है तो वन बिट से ज़्यादा होती हैं, आइदर 2 or 4 bit भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखा है, किलो बाइट पर सेकेंड इक्वल 1000 bits पर सेकेंड, फिर मेगा बाइट का दे रखा है कि इक्वल टू 1000 kbps इन 1,000,000 पर bps बिट पर सेकेंड, GB का इन्होंने 1,000,000 GB इज इक्वल टू 1 or 1 billion GB, फिर उसके बाद टेरा बाइट का दे रखा है, कह रहा 1 kbps इक्वल टू 1 kilobyte पर सेकेंड, 1 mbps इक्वल टू 1 megabyte पर सेकेंड, और 1 GB इज इक्वल टू gigabyte पर सेकेंड, और TBPS का मतलब टेराबाइट पर सेकेंड के हिसाब से होता है, ठीक है। और
उसके बाद ट्रांसमिशन मीडिया है, ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पर, आपका इजी क्वेश्चंस हैं, यू कैन हैंडल इट। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म अपारनेट, यू नो वेरी वेल, हमने अभी चैप्टर में स्टडी किया है। व्हाई इंटरनेट इज़ कॉल्ड नेटवर्क्स और नेटवर्क, नेटवर्क्स और नेटवर्क का भी ये भी आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा, क्योंकि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड हैं, ग्लोबलाइज्ड हैं, इसलिए हैं। स्टेट टू रीज़न फॉर विच यू मे लाइक टू हैव अ नेटवर्क फॉर कंप्यूटर इंस्टेंट फॉर हैविंग स्टैंड अलोन कंप्यूटर, कि अगर टू रीज़न, तो देख आप इसका हैविंग अलोन, आपका अगर अकेला कंप्यूटर है तो आप किस तरह का नेटवर्क रेफर कर सकते हो, उसका रीज़न बताना है। विच नेटवर्क कनेक्ट द कंप्यूटर एंड नेटवर्क्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का नेटवर्क यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप आई थिंक इंट्रानेट, INTR इंट्रानेट का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इंटरनेट एक प्राइवेट सेक्टर्स हैं और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आप उनका पर्सनल नेटवर्क यूज़ कर सकते हो, उस पर्सनल नेटवर्क के लिए वो कर सकते हैं, ठीक है। एंड हाउ मैनी BPS आर इक्वल टू 1 GPS, ये हमने ऑलरेडी अभी डिस्कशन किया कि क्या कहते हैं 1000, आई थिंक 1000 BPS इज इक्वल टू 1 BPS, हाउ मैनी BPS इज इक्वल टू 1 GBPS, BPS 1 BPS 1000 BPS, ये आपका उसको ढूंढना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, आप फिलहाल वीडियो को एक अच्छे से देख लीजिए और बुक जो भी टॉपिक है आपका वो आप स्टडी भी कर लीजिए, कोई दिक्कत आती तो आप मुझे बता देना। क्वेश्चंस आपके ये हैं, अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट अपने कॉपी में मेंटेन ज़रूर कर लेना, इन 5 क्वेश्चंस को आप मेंटेन कर लेना, ठीक है। थैंक यू।